हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। हमारा चैप्टर चल रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। आज हम कुछ थ्योरम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स की। फर्स्ट थ्योरम आपके पास, प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज ए डैश हैव सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। मीन्स आपको बताना है कि मैट्रिक्स ए के कैरेक्टरिस्टिक रूट और ए डैश के यानी ट्रांसपोज ऑफ ए के कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वल होंगे। ठीक है, देखिए प्रूफ कैसे करना है। ए मैट्रिक्स हम ले लेते हैं एन क्रॉस एन ऑर्डर की, लेट ए ए वन वन ए वन टू अप टू सॉन ए वन एन ए टू वन ए टू टू अप टू सॉन ए टू एन। एन क्रॉस एन ले रहे हैं तो लास्ट रो हो जाएगी हमारे पास ए एन वन ए एन टू अप टू सॉन ए एन एन। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ एन क्रॉस एन। बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अभी हमें कैरेक्टरिस्टिक रूट इक्वल दिखाने हैं, दैट मीन्स आपको क्या यहाँ से निकालना पड़ेगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए क्या बनेगी, डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो। फाइंड आउट करते हैं ए माइनस लैम्डा आई। ए मैट्रिक्स हमारे पास ये गिवन है तो ए वन वन माइनस लैम्डा हो जाएगा, बाकी एलिमेंट सेम आएंगे। ए टू वन ए टू टू माइनस लैम्डा अप टू सॉन टू एन। इसी तरह से लास्ट रो आ जाएगी ए एन वन ए एन टू अप टू सॉन ए एन एन। डिटर्मिनेंट ऑफ एन क्रॉस एन, ये आपके पास आ गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब हमें ये पता है कि डिटर्मिनेंट में अगर हम रो को कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, ऑन इंटरचेंजिंग रोज इनटू कॉलम द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम। वैल्यू सेम रहेगी, देयरफॉर यहाँ पे जो आपके पास रो है इसको मैं कॉलम में चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट रो ए वन वन माइनस लैम्डा, सेकेंड एलिमेंट है ए वन टू, रो को मैंने लिख दिया कॉलम में। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड रो को लिखेंगे सेकेंड कॉलम ए टू वन ए टू टू माइनस लैम्डा अप टू सॉन ए टू एन। इसी तरह से चलते जाएंगे, लास्ट जो रो है ए एन वन ए एन टू अप टू सॉन ए एन एन। अच्छा, यहाँ पे माइनस लैम्डा आएगा, दिस इज इक्वल टू ज़ीरो। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना रहे थे ना, तो यहाँ पे भी माइनस होगा ए एन एन माइनस लैम्डा। ठीक है, अब अगर हमने यहाँ पे रो को कॉलम में इंटरचेंज किया तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रहेगी, मीन्स इसकी वैल्यू जीरो ही रहेगी। ठीक है, बट यहाँ से अगर हम देखें दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू ज़ीरो। एंड यहाँ से देखें तो हम दोनों डिटर्मिनेंट्स हमारे पास सेम आ रहे हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट, मीन्स दिस इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या हो जाएगा ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स माइनस लैम्डा आई इक्वल टू, दोनों की वैल्यू इक्वल टू जीरो है। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स ए थी ए माइनस लैम्डा आई, इस डिटर्मिनेंट को हमने लिखा इंटरचेंज कर दिया रो और कॉलम को, और ये हमारा किस में होता है ट्रांसपोज में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि ए डैश माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो चल रहा है। दैट मीन्स देयरफॉर कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए एंड ए डैश आर सेम, बिकॉज दोनों की इक्वेशन अगर सेम है तो रूट्स भी सेम होंगे। नेक्स्ट थ्योरम इज प्रूव दैट द मैट्रिक्स ए एंड बी इनवर्स ए बी, दो मैट्रिक्स गिवन है ए एंड बी इनवर्स ए बी हैव द सेम लेटेंट रूट। लेटेंट रूट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ही इनको बोला जाता है। बी बींग एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर एज ए, बी आपके पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे रखी है तो आपको शो करना है कि कैरेक्टरिस्टिक
रूट्स ऑफ ए इक्वल होना चाहिए कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ बी इनवर्स ए बी मैट्रिक्स के, ठीक है। ये एक मैट्रिक्स है और ये एक मैट्रिक्स है, ये हमें प्रूव करना है। चलिए प्रूफ कैसे करना है इसको। कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ टू मैट्रिक्स आर सेम इफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए एंड बी इनवर्स ए बी आर इक्वल, ठीक है। रूट्स तभी इक्वल होते हैं जब उनकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इक्वल होती है। तो हम क्या शो कर देंगे यहाँ से, हम ये शो कर देंगे कि जैसे अपने पास अगर मैट्रिक्स गिवन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं हम ए माइनस लैम्डा इक्वल टू जीरो, समझ गए। तो अगर मुझे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए तो बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो ये बनेगी। मीन्स हमें ये दिखाना है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसके इक्वल आ जाती है तो इसके रूट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लेके चलेंगे इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, लेके चलो बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई, ठीक है। हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ले लेते हैं बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई, बिकॉज बी इज इन्वर्टिबल देन हम यहाँ पे लिख देते हैं बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा, आइडेंटिटी को हमने लिख दिया बी इनवर्स पी, बी एंड बी ये कॉमन ले लीजिए बी इनवर्स ए माइनस लैम्डा बी इनवर्स इंटू बी, यहाँ से ये भी और ये भी, ठीक है। लैम्डा इज अ कॉन्स्टेंट, बी इनवर्स हम इधर कॉमन ले लेते हैं ए माइनस लैम्डा यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट है, इनवर्स कॉमन बी अगर ये मैट्रिक्स कॉमन लेते हैं तो आइडेंटिटी बच जाएगा यहाँ पे इनटू बी। डिटरमिनेंट को सेपरेट कर लेते हैं बी इनवर्स डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी सब पे सेपरेट कर लेते हैं। नाउ डिटरमिनेंट एनी कांस्टेंट क्वांटिटी, अब हम इनको इकट्ठा लिख सकते हैं तो ए माइनस लैम्डा आई इनटू बी इनवर्स इनवर्स को और बी को, ठीक है। तो बी इनवर्स बी क्या बना, आइडेंटिटी, बिकॉज ये अपने इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा है आइडेंटिटी आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स ए माइनस लैम्डा आई, तो हम लेके चले थे बी इनवर्स ए बी माइनस लैम्डा आई इक्वल निकाल दिया हमने ए माइनस लैम्डा आई, इम्प्लाइज दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ बी इनवर्स ए बी, ये क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन किसकी, बी इनवर्स ए बी मैट्रिक्स की, इक्वल आ गया हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए माइनस लैम्डा के, ठीक है। इम्प्लाइज दैट जो आपके पास अगर इक्वेशन इक्वल है तो रूट्स भी इक्वल होंगे, तो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ बी इनवर्स ए बी एंड ए और सेम, तो दोनों के सेम हो जाएंगे कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। थ्योरम आ जाती है सिमिलर मैट्रिसेस हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट। सबसे पहले देखिए सिमिलर मैट्रिसेस क्या होती हैं, ए एंड बी आर टू मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन देर एग्जिस्ट ए मैट्रिक्स पी सच दैट बी इज इक्वल टू पी इनवर्स ए पी। अगर हम बी मैट्रिक्स को पी इनवर्स ए पी की फॉर्म में लिख सकते हो तो वो मैट्रिक्स हमारी होती है सिमिलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो ए और बी का आपने दिखाना है कि सिमिलर मैट्रिसेस है तो सेम कैरेक्टरिस्टिक रूट, दैट मीन्स हमें यही थ्योरम प्रूव करनी है ए बी इनवर्स ए बी, यहाँ पे ए पी इनवर्स ए पी हो जाएगा। मीन्स आपको यहाँ पे ए मैट्रिक्स और बी बी की वैल्यू यही दे रखी है हमें क्योंकि सिमिलर मैट्रिक्स है तो बी स्टेप होगी, तो सेम टू सेम प्रूफ करना है जैसे हमने ये वाला किया। ए इज अ नॉट सिंगुलर, प्रूव दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए इनवर्स आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द आइगन वैल्यू ऑफ ए। हमें गिवन है कि ए हमारा नॉट सिंगुलर, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो, एंड प्रूव क्या करना है कि जो ए का आइगन इनवर्स का जो आइगन वैल्यू होगा वो ए के रेसिप्रोकल होगा। मीन्स अगर लैम्डा इज आइगन रूट्स
रूट ऑफ ए, देन आपको प्रूव करना है 1 बाय लैम्डा इज आइगन रूट ऑफ ए इनवर्स. ठीक है, चलिए देखिए कैसे करेंगे. लेट लैम्डा इज आइगन रूट ऑफ ए मैट्रिक्स ले लेते हैं एंड एक्स इज आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग, किसके कॉरस्पॉन्ड ले रहे हैं, लैम्डा के कॉरस्पॉन्ड लैम्डा. देन अगर x इसका कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा x. ये यहाँ पे चीज़ ध्यान रखनी है कि a मैट्रिक्स का अगर x आइगन वेक्टर लेते हैं तो आइगन वेक्टर किसी न किसी आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्ड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है. मीन्स यहाँ से दिख रहा है हमें कि लैम्डा हमारे पास a का कैरेक्टरिस्टिक रूट है. अगर हम ये शो कर रहे हैं कि दिस इज द आइगन वेक्टर ऑफ a इनवर्स, तो हम ये शो कर देंगे कि a इनवर्स x इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इनटू x. दैट मीन्स x 1 बाय लैम्डा के कॉरस्पॉन्ड इसका आइगन वेक्टर बन रहा है, तो ये 1 बाय लैम्डा से कैरेक्टरिस्टिक रूट हो जाएगा. ठीक है, नाउ अब हम यहाँ से रिजल्ट फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन्स हमें इसको इसमें कन्वर्ट करना है. ठीक है, चलिए प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं दिस इक्वेशन को, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स, ए इनवर्स ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा, ये तो कांस्टेंट हो गया, ए इनवर्स एक्स. ए इनवर्स ए इज अ आइडेंटिटी इंटू एक्स लैम्डा ए इनवर्स एक्स, देन एक्स की क्या वैल्यू, यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी, आई इंटू एक्स को हम एक्स लिख सकते हैं, तो एक्स हमारा आ गया लैम्डा इंटू ए इनवर्स एक्स. ठीक है, तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, या फिर इसको आप इधर ले आइए लैम्डा को, 1 बाय लैम्डा एक्स इक्वल टू ए इनवर्स एक्स. ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, इस स्टेप को मैं इधर लिख देती हूँ, ए इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इंटू एक्स. दिस इज द इक्वेशन का ए मैट्रिक्स की, जहाँ पे हमने एक्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर लिया था कॉरस्पॉन्ड लैम्डा के, और ये क्या आ गया आपके पास, दिस इज द एक्स वेक्टर ऑफ ए इनवर्स, एक्स इज द कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए इनवर्स, किसके कॉरस्पॉन्ड, 1 बाय लैम्डा के. इम्प्लाइज दैट 1 बाय लैम्डा, अगर ये एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट मीन्स ये जो आपके पास वैल्यू है, दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स क्या है, ए इनवर्स. तो 1 बाय लैम्डा इज कैरेक्टरिस्टिक रूट्स लिखो, या फिर आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू ऑफ ए इनवर्स. प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल रियल. लेट ए बी, हमें दिखाने हैं कि जो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक होगी ना, उसके रूट्स को आपको रियल दिखाना है. तो हम ले लेते हैं कि ए हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स. सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, जब ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए आ जाता है. ठीक है, और हमें गिवन है कि ए इज रियल, अगर रियल मैट्रिक्स है तो ए का जो आप कंजुगेट लेके चलोगे वो ए ही आ जाएगा. ओके, रियल का मतलब क्या होता है कि अगर हम कंजुगेट करते हैं तो साइन चेंज ना हो, और रियल क्वांटिटी का ही कंजुगेट इटसेल्फ आता है. ठीक है, चलिए अब हमें ये शो करना है कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रूट होगा वो भी रियल होगा हमारा. ओके, लेट लैम्डा बी कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए एंड एक्स बी कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्ड लैम्डा. अगर एक्स कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर है देन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. बोथ साइड जो आप ए थीटा अप्लाई कर दीजिए. थीटा क्या होता है, ए रेज टू पावर थीटा इज ए ट्रांसपोज का कंजुगेट, ये होता है ए थीटा की वैल्यू. ठीक है, नाउ बोथ साइड ए थीटा अप्लाई, हम थीटा अप्लाई कर लेते हैं इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा,
ओपन करेंगे, प्रॉपर्टीज आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो होता है कंजुगेट हो जाता है उसका थीटा। ओके नाउ ए थीटा, अगर मैं दोनों कंडीशंस को इकट्ठा ले लेती हूँ तो ये आ जाएगा ए थीटा इक्वल टू ए ट्रांसपोज कंजुगेट इक्वल टू ए ट्रांसपोज इज ऑल्सो ए, ए कंजुगेट इज ऑल्सो ए। तो ए थीटा किसके इक्वल आ गया, ए मैट्रिक्स के। तो यहाँ से हम पुट कर सकते हैं एक्स थीटा ए इज इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, नाउ जो हम हमारे पास ये इक्वेशन थी प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसी, ये सेकेंड इक्वेशन ले लो, ये फर्स्ट इक्वेशन पोस्ट मल्टीप्लाई बाय एक्स, देन एक्स थीटा ए एक्स इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा एक्स। ए एक्स की वैल्यू यहाँ से लैम्डा एक्स पुट कर सकते हैं, तो एक्स थीटा लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा इंटू एक्स, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए हम एक्स थीटा इंटू एक्स इकट्ठा कर सकते हैं इनको, माइनस इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए एक्स थीटा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, कॉमन ले लेंगे तो लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इंटू एक्स थीटा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो, आइदर दिस इक्वल टू जीरो और दिस इक्वल टू जीरो, दिस इज नॉट जीरो वैक्टर देयरफॉर ये तो जीरो हो नहीं सकता, तो लैम्डा माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल टू जीरो। यहाँ से आप लिख भी देना, हमने यहाँ पे चेंज किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, देन लैम्डा इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट इसको इधर लेके जाएंगे। तो कोई भी नंबर अगर अपने कंजुगेट के इक्वल होता है दैट मीन्स वो रियल क्वांटिटी होती है, लैम्डा इज रियल नंबर। ठीक है, तो हमने यही शो करना था कि ए का जो ए सिमेट्रिक और रियल मैट्रिक्स थी तो इसका जो करेक्टरिस्टिक रूट आएगा वो भी रियल हो। दो थ्योरम के स्टेटमेंट लिखे मैंने यहाँ पे, फर्स्ट थ्योरम देखिए, प्रूव दैट द करेक्टरिस्टिक रूट ऑफ ए हार्मेशियन मैट्रिक्स आर रियल। जो इससे पहले वाली थ्योरम हमने प्रूव की है वो स्टेटमेंट चेंज है, प्रूफ सेम है, बिकॉज जिससे नेक्स्ट थ्योरम की थी हमने वहाँ पे थी रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स हार्मेशियन मैट्रिक्स ही होती है। कैसे, कोई भी मैट्रिक्स अगर रियल है तो कंजुगेट उसी के इक्वल हुआ, और सिमेट्रिक है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स के इक्वल आता है, और हार्मेशियन मैट्रिक्स क्या होती है, ए थीटा इक्वल टू ए कंजुगेट का ट्रांसपोज। तो यहाँ से अगर इन दोनों को कंबाइंड कर लेते हैं तो हमारे पास ये भी ए थीटा ही बनती है, समझ गए। तो इन दोनों को कंबाइंड किया हमने तो हमने निकाला था कि ए थीटा इक्वल टू ए, और अगर ए रेज टू पावर थीटा, यानी थीटा क्या होता है, ट्रांसपोज कंजुगेट, अगर ए थीटा इक्वल टू ए आ जाता है देन मैट्रिक्स ए इज हार्मेशियन मैट्रिक्स, समझ गए। तो यहाँ से जो आपके पास है सेम टू सेम प्रूफ रहेगा हार्मेशियन मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हार्मेशियन मैट्रिक्स लेके चलोगे ए थीटा इक्वल टू ए हो जाएगा, फिर आप लैम्डा लेके चलोगे करैक्टरिस्टिक रूट, एक्स इज अ करैक्टरिस्टिक वेक्टर, देन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स आएगा, बोथ साइड आप थीटा अप्लाई करोगे, सेम टू सेम पीछे वाली थ्योरम का प्रूफ आपको करना है, बिकॉज स्टेटमेंट चेंज है, और चेंज भी क्या है कि हार्मेशियन मैट्रिक्स या फिर रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो, सेम चीज है। नेक्स्ट थ्योरम इज, दोनों ही थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट दे रखा है प्रूव दैट द कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ ए स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। इसमें हमने कहा था कि हार्मेशियन मैट्रिक्स है तो कैरेक्टरिस्टिक रूट भी रियल होगा, ठीक है, और अगर यहाँ पे अगर मैट्रिक्स है स्क्यू हार्मेशियन तो इसके कैरेक्टरिस्टिक रूट या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। चलिए लेट ए ले लेते हैं हम, स्क्यू ए इज स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स, देन ए थीटा इक्वल टू आ जाएगा माइनस, कंडीशन किसकी होती है, स्क्यू हार्मेशियन मैट्रिक्स। ओके नाउ लैम्डा हमने ले लिया इसका कैरेक्टरिस्टिक रूट ऑफ इक्वेशन ए, एंड एक्स इज ए कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा के ऑफ मैट्रिक्स ए, देन ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स के इक्वल होगा, फर्स्ट इक्वेशन बोथ साइड थीटा अप्लाई कर दीजिए
ए एक्स थीटा इक्वल टू लैम्डा एक्स थीटा, ओपन करेंगे एक्स थीटा ए थीटा इक्वल टू लैम्डा इज अ कॉन्स्टेंट, तो कंजुगेट इसका ट्रांसपोज हो जाता है और एक्स थीटा आ जाएगा. ओके, नाउ ए थीटा किसके इक्वल है, ए थीटा माइनस ए के इक्वल है, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो एक्स थीटा माइनस ए इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा आ जाएगा. नाउ पोस्ट मल्टीप्लाई बाय, सेम टू सेम स्टेप हमने इस टर्म के लिए करने हैं, वहाँ पे सिर्फ क्या चेंज है कि ए थीटा की जगह पे ए आ जाएगा, बिकॉज दिस इज़ द हार्मिशियन मैट्रिक्स और हार्मिशियन मैट्रिक्स होती है इफ़ ए थीटा इक्वल टू ए आ जाता है. पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे बाय एक्स से, तो माइनस एक्स थीटा इंटू ए इंटू एक्स इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा इंटू एक्स. ए एक्स के प्लेस पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, एक्स थीटा इंटू लैम्डा एक्स इक्वल टू लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा एक्स, यहाँ पे आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट. नाउ लैम्डा क्योंकि कांस्टेंट है, आप इसको राइट साइड पे ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा लैम्डा एक्स थीटा इंटू एक्स प्लस लैम्डा कंजुगेट एक्स थीटा इंटू एक्स इक्वल टू ज़ीरो. हम इसको एक साइड ले लेते हैं, चाहे लेफ्ट या राइट, तो दोनों प्लस के हो जाएंगे. यहाँ से एक्स थीटा एक्स कॉमन आ रहा है, तो लैम्डा प्लस लैम्डा कॉन्जुगेट कॉमन ले लेंगे, एक्स थीटा एक्स इक्वल टू जीरो, आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो या फिर एक्स थीटा इक्वल टू जीरो. ये हमारा जीरो नहीं हो सकता बिकॉज दिस इज द नॉन जीरो वैक्टर, एक्स थीटा एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो एज एक्स इज नॉन जीरो वेक्टर होता है. देन लैम्डा इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस लैम्डा कॉन्जुगेट, या फिर उसको ऐसे लिख लो कि लैम्डा कॉन्जुगेट इक्वल टू माइनस लैम्डा. तो ये कंडीशन तभी होती है या तो लैम्डा की वैल्यू जीरो हो, आइदर लैम्डा इक्वल टू जीरो और लैम्डा इज प्योरली इमेजिनरी. प्योरली इमेजिनरी का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे कोई रियल क्वांटिटी नहीं आएगी, प्योरली इमेजिनरी. सर मीन्स प्रूव दैट द आइगन वैल्यूज ऑफ अ डायगनल मैट्रिक्स आर द डायगनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. हमें दे रखा है कि डायगनल मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज दिखाने के उसके डायगनल एलिमेंट होंगे. लेट ए बी ए डायगनल मैट्रिक्स ले लेते हैं. क्या होते हैं डायगनल मैट्रिक्स, जिसके डायगनल एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं और नॉन डायगनल सारे ज़ीरो होते हैं. एन क्रॉस एन ऑर्डर के लेते हैं, दिस इज ज़ीरो ए टू टू अप टू सॉन ज़ीरो, ज़ीरो ज़ीरो अप टू सॉन ए एन एन, दिस इज द एन क्रॉस एन डायगनल मैट्रिक्स, बी ए डायगनल मैट्रिक्स. अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स बताने हैं, यानी आइगन डायगनल मैट्रिक्स ले लिए एन क्रॉस एन ऑर्डर की, दर हमें इसके आइगन वैल्यू चाहिए, तो हमें इसकी आइगन जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी. ठीक है, तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, ए माइनस लैम्डा आई दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वन वन माइनस लैम्डा ज़ीरो अप टू सॉन ज़ीरो, ए टू टू माइनस लैम्डा एंड ज़ीरो ज़ीरो ए एन एन माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो. अब डिटर्मिनेंट ऑफ डायगनल एलिमेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ, अगर हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो सारे डायगनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई जाती है ए टू टू माइनस लैम्डा अप टू सो ऑन ए एन एन माइनस लैम्डा इक्वल टू ज़ीरो. तो यहाँ से हम लैम्डा की वैल्यूज निकालते हैं, तो लैम्डा इक्वल टू ए वन वन, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ए टू टू अप टू सो ऑन ए एन एन, तो लैम्डा इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक रूट यानी कि आइगन वैल्यू. तो आइगन वैल्यू क्या आ जाएंगे, डायगनल एलिमेंट ऑफ द सॉरी डायगनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए के. ठीक है, सेम टू सेम अगर आपके पास आ जाता है कि ए मैट्रिक्स गिवन हो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी क्या होता है, यहाँ पे जो आपके पास वो अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर, तो इस तरह से बनानी पड़ेगी आपको, डायगनल से नीचे वाले एलिमेंट जीरो हो जाते हैं, प्रिंसिपल डायगनल. यहाँ पे हम लेंगे ए वन टू अप टू सॉन ए वन एन, ए टू टू अप टू सॉन टू एन एंड ए ज़ीरो, और ये डायगनल आ जाएगा ए एन एन.
ठीक है, ये मैट्रिक्स बनेगी। अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स गिवन होगा तो इसके अंदर भी लैम्डा की वैल्यूज डायगोनल एलिमेंट ही आते हैं, ठीक है। यानी अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के अगर हम आइगन वैल्यू चेक करेंगे तो वो डायगोनल एलिमेंट ही आएंगे, बिकॉज अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे, ए माइनस लैम्डा ही निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा ही क्या हो जाएगा, यहाँ से डिटरमिनेंट हो जाएगा, और माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा, और ये डिटरमिनेंट डायगोनल ये हो जाएगा आपके पास। तो अगर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर है या फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें भी क्या होता है कि डिटरमिनेंट जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का। तो सेम टू सेम इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास या तो डायगोनल मैट्रिक्स दे रखी हो या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दे रखी हो, तो उस मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होगी वो आपके डायगोनल एलिमेंट। लेट ए बी 3×3 अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स विद द रियल एंट्रीज एंड A11, A22 और A33 ये एलिमेंट दे रखे हैं, मीन्स दीज आर द डायगोनल एलिमेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। डिटरमाइन अल्फा बीटा गामा सच दैट ए इनवर्स ऑफ दिस, ए इनवर्स का रिलेशन दे रखा है आपके पास अल्फा बीटा गामा में, और वैल्यूज फाइंड आउट करनी है अल्फा बीटा और गामा की। A11, A22 एंड A33 दीज आर द डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स है, देन ये क्या बन जाएंगी आइगन वैल्यूज। A11, A22, A33 आर डायगोनल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, देयरफॉर आइगन वैल्यूज, क्योंकि ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो जो डायगोनल एलिमेंट गिवन होंगे वो इसके आइगन वैल्यूज हो जाएंगे। आइगन वैल्यूज ऑफ ए 1, 2 एंड 3, A11 की वैल्यू, A22 एंड A33, ठीक है, क्योंकि 3×3 की है तो इसकी आइगन वैल्यू भी 3 ही आएंगी। अगर आपके पास आइगन वैल्यूज गिवन है तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, लैम्डा माइनस 1 इंटू लैम्डा माइनस 2 इंटू लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। मल्टीप्लाई कर लेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो इसकी आपके इक्वेशन बनेगी लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 11 लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लेना, मल्टीप्लाई सॉल्व करनी है तो यहाँ पे आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बाय कैले हैमिल्टन थ्योरम। क्या किया था हमने कैले हैमिल्टन थ्योरम में, जो मैट्रिक्स ए है वो सेटिस्फाई करती है इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, यानी कि जहाँ जहाँ पर भी आपके पास लैम्डा है इक्वेशन में वो मैट्रिक्स ए आ जाएगा। ए क्यूब माइनस 6A² प्लस 11A - 6 इक्वल टू 0। नाउ इसको जो है आपको 6 इधर ले जाते हैं, 6 इंटू आइडेंटिटी, क्योंकि 6 अकेला कांस्टेंट है तो आइडेंटिटी के साथ लेना पड़ेगा हमें। तो यहाँ से 6 इंटू आइडेंटिटी राइट साइड पे ले जाओ, ए क्यूब माइनस 6A² प्लस 11A ये रह जाएगा हमारे पास, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, इनटू आइडेंटिटी 6 इज अ कांस्टेंट, तो ए इनवर्स इनटू आइडेंटिटी हमारे पास 6 ए इनवर्स ही रह जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए इनवर्स ए क्यूब माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर प्लस 11 ए इनवर्स ए आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ से आ जाएगा 6 ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स ए क्यूब ए स्क्वायर रह जाएगा माइनस 6 ए इनवर्स ए स्क्वायर इज 6A प्लस 11 आइडेंटिटी। अब इसको कंपेयर करेंगे इससे, ठीक है, इसको 6 से डिवाइड करवा दीजिए, 1/6A² माइनस 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, A प्लस 11/6i, क्योंकि ये हमें रिलेशन गिवन है तो इसको और इसको अगर कंपेयर करते हैं तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी ए स्क्वायर का मल्टीपल 1/6, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 एंड गामा की वैल्यू आ जाएगी 11/6। अल्फा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए, देन प्रूव दैट डिटरमिनेंट अल्फा डिटरमिनेंट ए बाय अल्फा इज आइगन वैल्यू होगी एडजॉइंट ऑफ ए के। गिवन क्या है आपको कि अल्फा जो है वो
आइगन वैल्यू है, आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है एंड एक्स हम ले लेते हैं, एक्स इज अ कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, लैम्डा के, सॉरी अल्फा के, अल्फा गिवन है ना, तो अल्फा कॉरस्पॉन्ड ले लेते हैं, देयरफॉर ए एक्स इक्वल टू अल्फा एक्स, इसको सेटिस्फाई करेगा। हमें शो करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो आइगन वैल्यू होगी वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बाय अल्फा होंगे। ओके, नाउ एडजॉइंट ऑफ ए से प्री मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू ये अल्फा है तो एडजॉइंट ऑफ कांस्टेंट है इसलिए हम इसको इधर ले सकते हैं इनटू एक्स। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए इनटू एक्स इक्वल टू अल्फा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एक्स, ये रिजल्ट होता है हमारे पास, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी इनटू एक्स अल्फा इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू एक्स, दिस इज I into x इज x हो जाएगा। ओके, और अल्फा से कर लेते हैं इधर डिवाइड। अब देखिए दिस नंबर मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ a इंटू x, इसको जरा इसे कंपेयर कीजिए, अगर अल्फा कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर था कॉरस्पॉन्ड टू वेक्टर आइगन वैल्यू अल्फा के ऑफ मैट्रिक्स ए, तो हमने ये इक्वेशन सेटिस्फाई करवाई थी, और अगर हम इस इक्वेशन से देखते हैं तो x इज अ करेक्टरिस्टिक वेक्टर, किसका, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स का, किसके कॉरस्पॉन्ड, आइगन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए बाय अल्फा के, तो यहाँ से आ जाएगा कि डिटर्मिनेंट ए बाय अल्फा इज आइगन वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स। ये कुछ थ्योरम्स थी चैप्टर 3 की करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। कल हम स्टार्ट करेंगे मोनिक पॉलिनोमियल, आप 3.3 एक्सरसाइज इजीली कवर कर सकते हैं। जो बच्चे जीवन संस पब्लिकेशन की बुक कर रहे हैं आप इनको ट्राई कीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।